बिहार के बेगूसराय में कल बैंक लूट के बाद आज पड़ोसी जिले समस्तीपुर में सशस्त्र अपराधियों ने भारतीय स्टेट बैंक की जितवारपुर शाखा से 5 लाख रुपए लूट लिए। लोगों की इस बात की जानकारी तब मिली जब बैंक कर्मियों ने इसकी सूचना सार्वजनिक की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी बैंक का जायजा लिया। करीब 10 बजे बैंक कर्मी ने बैंक खोलकर अभी काम का शुरू करना ही आरंभ किया था कि एक ही बाइक पर सवार तीन अपराधी वहां पहुंचे। कर्मियों ने समझा कोई ग्राहक है। अंदर पहुंचते ही अपराधियों ने अपने अपने कमर से पिस्तौल निकाली और वहां मौजूद 4 कर्मियों को पिस्तौल की नोक पर कब्जा में ले लिया। वही प्रबंधक अनुराधा कुमारी एवं कैशियर प्रवण कुमार को ले जाकर बैंक के चेस्ट को खुलवाया और उसमें 5 लाख रुपए लूट लिए। इसके बाद काउंटरों की भी जांच की। एक काउंटर पर रखे 29,000 रुपए को भी ले लिया और सारे रकम बैग में रखकर आराम से निकल भागे। वही अपराधियों के जाने के बाद लोगों की इस बात की सूचना मिली। वही घटना की सूचना पर संबंधित थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य समेत DIU की टीम बैंक पहुंची और बैंक में लगे CCTV को खंगाल रही है। अभी तक कोई पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि इस बैंक में 4 कर्मी हैं, इसमें से सोनी कुमारी और नीतीश कुमार अनुबंध पर कार्यरत हैं। वैसे पुलिस ने अपराधियों को भागे जाने की दिशा में छापेमारी आरंभ कर दी है। आपको बता दें कि इस घटना के 4 माह पूर्व 17 नवम्बर को भी अपराधियों ने मुफस्सिल थाना के विशनपुर स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा से 1,80,000 रुपये लूट लिए थे। वही सदर DSP प्रीतिश कुमार ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की जितवारपुर चौथ शाखा से 5,29,000 रुपए की लूट हो गई है। पुलिस तत्परता से उस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की प्रयास में जुटी है। शीघ्र मामले का भी पर्दाफाश किया जाएगा।